नमस्कार, मैं विशाल भारद्वाज, सीपीआई मंडी जिला सचिव। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूं, और सूचना यह है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अपनी प्रतिबद्धता के चलते और केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए इंडिया गठबंधन का एक घटक होने के नाते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी जिला कमेटी ने भी तय किया है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनके कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उनके चुनाव प्रचार में सीपीएम की मंडी जिला कमेटी खुल करके जो है हिस्सा लेगी और उनकी जीत को सुनिश्चित करेगी। और उसके साथ साथ ये भी जो है हमारी पार्टी की कल रात को एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई, जिसमें मंडी जिला कमेटी के सदस्यों के अलावा जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है मंडी जिला के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र है, वहां के जो हमारे प्रमुख पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन सब ने भी हिस्सा लिया। और इस बैठक में हमारी पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाह भी शामिल रहे। और इसमें निर्णय हमने ये लिया कि ना केवल हम उनका समर्थन करेंगे विक्रमादित्य सिंह का, बल्कि उनके चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से भी चुनाव प्रचार करेगी अपने झंडे बैनर लेकर के, और संयुक्त तौर पर भी अपने झंडे बैनर लेकर के जो है चुनाव प्रचार करेगी और उनकी जीत को सुनिश्चित करेगी। और चुनाव प्रचार में मात्र सिर्फ रैली तक जाना सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान हम बैठकें भी करेंगे, हम इंडोर मीटिंगें भी करेंगे, उसके साथ साथ हम डोर टू डोर कैंपेन भी चलाएंगे, और उसके साथ साथ हम जो है नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे, और यहां तक कि हम बूथ मैनेज भी करेंगे। और ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि आज ऐसा माहौल देश के अंदर बना है कि जो भाजपा का कुशासन है और जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसको हराया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ में बीजेपी बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो उसकी ताकत है कुछ राज्यों के अंदर, वहां पर जो है एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर एक एक सीट पर ढंग की रणनीति बना करके भाजपा को टक्कर दी गई तो भाजपा 150 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है। ये जो है देश के अंदर ऐसी चर्चा भी चल पड़ी और ऐसे हालात भी जो है सामने नजर आ रहे हैं। तो इसलिए साथियों हमारी पार्टी ने निर्णय लिया महत्वपूर्ण, पहली सूचना आप सबको। और दूसरा ये बता दें कि पिछले 10 सालों का जो कुशासन है भाजपा का, जिसमें आप सबने देखा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं, और उसके लिए भाजपा ने काम भी किया, लेकिन उसको जो है फिर से मेजोरिटी चाहिए ताकि संविधान को बदल सके, ताकि हमारे लोकतंत्र को जो है खत्म कर सके और जो संसदीय चुनाव प्रणाली है उसको खत्म कर सके, और इससे जो है बचना है। और इससे अगर बचना है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी पार्टी जो हमारे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश रच रही है उसको जो है सत्ता से हटाना पड़ेगा। और पिछले 10 सालों का अगर कुशासन हम देखें तो जितना भ्रष्टाचार भाजपा के राज में हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, जिसकी परतें खुली और उससे पता चला कि किस तरीके से जो है भाजपा ने देश को लूटा है, किस तरीके से जो है गलत तरीके से ठेके दिए गए, बदले में पैसा खाया गया, किस तरीके से जो पहले पैसा खाया गया फिर ठेके दिए गए, किस तरीके से दबाव में ला करके कंपनियों को उनसे पैसा ऐंठा गया और कानूनी जामा बनाया गया सारी प्रक्रिया को, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना सरकार लेकर के आई थी। और इससे जो है हजारों करोड़ रुपया जो उन्होंने इकट्ठा किया, इस पैसे का इस्तेमाल विरोधियों को कुचलने के लिए किया, इस पैसे का इस्तेमाल विधायकों को सांसदों को खरीदने के लिए किया, सरकारों को अपदस्थ करने के लिए किया जो विपक्ष की सरकारें थी। और उसके साथ साथ जो है पिछले 10 सालों में हमने देखा कि जितने जो भ्रष्टाचार के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लगे थे, अगर वो भाजपा में शामिल हो गए तो उनके सारे के सारे जो केस थे वो बंद कर दिए गए। उनको सिर्फ केस ही बंद नहीं किए गए उनके, बल्कि उनको जो है सम्मानित किया गया, उनको मुख्यमंत्री से पद से नवाजा गया, मंत्री पद से नवाजा गया, राज्यपाल पद से नवाजा गया, और कुछ जगह उनको जो है भाजपा ने टिकट दे दिए। और जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं वो ईमानदार भी हैं, तो भी उनको जो है झूठे केसों में फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमें भी आपको बता दें कि भाजपा के किसी नेता के खिलाफ कोई केस नहीं पड़ता है। तो जितनी जांच एजेंसी है देश के अंदर, जो हमारे देश की संवैधानिक संस्था है, उनको जो है भाजपा की एक यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को कुचलने के लिए। और उसी के साथ साथ हमने भी देखा कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी देश के अंदर, और उसके साथ साथ जितने वायदे जो सरकार ने किए थे वो कोई वायदा पूरा नहीं किया जनता से, और मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों
और उसके साथ साथ बेरोजगारों और यहां तक कि दुकानदारों को नहीं बख्शा गया, उनके खिलाफ काले कानून लाए गए, नोटबंदी थोपेगी इस देश के अंदर, जीएसटी थोपेगी इस देश के अंदर, और उसी के साथ साथ जो है किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए। तो ये जो भाजपा का कुशासन है 10 साल का, ये जो है देश के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं है। और इसलिए सीपीआईएम अपनी जिम्मेदारी को समझती है। पहले हमने मंडी की एक सीट लड़ने का निर्णय लिया था हमारी राज्य कमेटी ने, और उसके साथ साथ हमने प्रपोजल जो है सेंटर को भेजा था, लेकिन बाद में हमने इस पर जो है फिर एक समीक्षा की। और हमारा ये मानना है कि एक एक सीट आज इम्पोर्टेंट है इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उसके लिए अगर माकपा को कोई कुर्बानी करना पड़ी तो माकपा से पीछे नहीं हटेगी। और इसीलिए हमने मंडी सीट ना लड़ने का निर्णय लिया, और हमने निर्णय लिया कि इंडिया घटक की जीत सुनिश्चित करनी है तो इंडिया घटक से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उनकी जीत को हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके लिए हमने हिदायतें दे दी अपनी सारी की सारी जो लोकल कमेटियां हैं और सारे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो हमारी कमेटियां हैं उनको भी मंडी जिला के अंदर जो 2 दिन के अंदर अपनी बैठकें करेंगी, अपनी चुनाव प्रचार समितियां बनाएंगी। वैसे हमने जो है पूरे मंडी जिला के अंदर चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, हमने जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, और अब जो है हमें संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे और भाजपा की हार को सुनिश्चित करेंगे। ये भी हम कहना चाहेंगे कि मंडी एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र है। मंडी जो है हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का जो है ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री चुनाव क्षेत्र है, और इसलिए एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ से जाना चाहिए जिनको राजनीति की समझ हो, जिनको जनता के मुद्दों की समझ हो, जो राजनीति की जानकारी रखता हो, और यहाँ के जो मसले हैं डेवलपमेंटल जो मसले हैं या प्राकृतिक आपदा से बहुत जो है जनता त्रस्त रही है वो मसले हैं, उन सारे मुद्दों को और जो विकास के मुद्दे हैं, कई इलाकों को आपस में जोड़ने के मुद्दे हैं, चाहे वो भूभू जोत चंद्र का मसला है, चाहे वो जिरोड़ी जोत का मसला है, चाहे वो जो है आपका होली और उतराला जो टंडल का मसला है, इस तरीके से अनेकों ऐसे मसले हैं जिनको केंद्र के समक्ष जो है प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। और भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारी है मंडी के अंदर, उनको राजनीति की कोई समझ नहीं है, उनको मुद्दों की कोई समझ नहीं है, उनको बोलने की कोई समझ नहीं है। वो जो है एक फिल्मी अभिनेत्री है, कुछ साल पहले तक वो फिल्मों में जो है सक्रिय थी, पॉपुलर भी हुई एक समय में, हालांकि पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती जो है राजनीति में थोपा गया और यहाँ पे आकर के वो जो है मजाक बना रही है अपना भी और एक दूसरा जो है मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जनता का भी, जिस तरीके की बातें वो करती हैं। और इसलिए राजनीति का कोई अनुभव ना होने के नाते, मुद्दों की कोई समझ होने ना होने के नाते उनको वोट देना हम समझते हैं कि ये व्यर्थ है। और इसलिए जो है सिर्फ वही कारण नहीं है बल्कि भाजपा की हार को भी सुनिश्चित करना है पूरे देश के पैमाने पर, तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। और मंडी से जो है अगर हम संयुक्त चुनाव प्रचार चलाते हैं उसका एक अलग मैसेज आएगा, और हमारी ताकत है, जिसमें मैंने पहले कहा कि मंडी के अंदर भाजपा कांग्रेस के बाद हम पिछले 3 जनरल इलेक्शन में लोकसभा के हम 3rd नंबर की पार्टी हैं, और जब ये 2 बड़ी शक्तियां आपस में मिल रही हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो निश्चित तौर पर जो है मंडी के अंदर भाजपा को हराने में कामयाब होंगे। और इसी तरीके से धर्मपुर में जो हमारे पार्टी के साथी हैं, वो जो वहां से जो सतपाल रायजदा जी जो घटक के हमारे इंडिया घटक के जो कैंडिडेट उनके समर्थन में काम करेंगे।